लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यूट्रिशन टाइमली आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है माछ और चने की दाल। उसको हमने यहाँ पर पानी में भिगो दिया था और अब हम लोग उसको पकाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो सी दाल भिगी हुई है ना, इसको हम लोगों ने एक दफ़ा बॉईल करना है, यानी कि पानी में हम लोगों ने इसको पकाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सी भिगी हुई दाल है इसको इस बर्तन के अंदर, मतलब कढ़ाही के अंदर हम लोगों ने इसको निकाल लिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सा है वो मीठा, मतलब जो पानी है, ठीक है, उसको डालने के बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है और उसको हम लोग उबाला दिलाएंगे और फिर उसके बाद जो सी हमारी रेसिपी है वो दाल की वो हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन ये मज़ेदार से जो सी दाल है किस तरह बनेगी, इसकी तरकीब क्या है, फुल मेथड क्या है, ये हम मम्मा से जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल पहले हम जो सा फर्स्ट स्टेप उसको कम्प्लीट कर लेते हैं और फिर इसकी फुल रेसिपी की तरफ चलते हैं। ने ये जो सी दाल पकने के लिए रख दी है, इसको हम दिलाते हैं उबाला और फिर आपको दिखाते हैं। तो आज बहुत ही मज़ेदार से यूनिक स्टाइल की हम जो सी दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना और कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो का इंतज़ार करना कि बाकी जो सी रेसिपी है वो हम लोग इसकी किस तरह तैयार करेंगे। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आज की रेसिपी हमारी दाल की है, लेकिन हम इस दाल के साथ जो है वो चिकन भी ऐड कर रहे हैं। तो अब चलते हैं मम्मा की तरफ, क्योंकि दाल जो सी हम लोगों ने वो उबाल ली है और अब मज़ीद जो सी बाकी रेसिपी हमारी किस तरह बनेगी ये हम जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहन भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना मैंने ना एक बड़ा सा प्याज ना काट लिया, मतलब छोटे से साइज में ही काटा है मैंने, बारीक बारीक सा। तो ये ना हल्का सा ब्राउन हो जाए तो ये मैंने ना दाल उबाल ली है। तो अब ये ब्राउन करके ना लहसुन इसमें डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर नमक मिर्च डालते हैं, फिर नमक मिर्च बाद में डालेंगे ना, वो चिकन डालेंगे, फिर पकाया काम दिखाते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, मतलब जो सी हमारी दाल की रेसिपी हम चिकन के साथ इसको तैयार कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखना कि मतलब किस यूनिक स्टाइल की हम जो सी रेसिपी है दाल और चिकन के आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, अब इसे भूनते अच्छी तरह। जी तो व्यूअर्स, मम्मा ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर जो सा चिकन वो भी ऐड कर लिया और चिकन को भी जो सा है वो अच्छे से भून लिया है। तो भूनने के बाद जो सा इसका कलर है वो चेंज हो गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है। और अब मम्मा इसके अंदर क्या डालेंगे? अदरक, ये ऐसा सॉरी टमाटर पेस्ट किए, टमाटर का पेस्ट हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया है ग्राइंड करके। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार सी, ज़रा हट के, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है ये रेसिपी। लेकिन हम लोग एक यूनिक तरीके से बना रहे हैं, मतलब आप लोग इसके चिकन भी ऐड करेंगे, चिकन जो है वो भी मुनफरद अंदाज से पकाया जा रहा है, दाल है वो भी डिफरेंट तरीके से बनाई जा रही है। मतलब अगर आप लोग कुकर इस्तेमाल करने ना, मरी गई थी ना अपनी बहन के पास, तो उधर मैंने ये मेरा नोई लेके गया था हमें होटल में, उधर मैंने ये खाया था। तो देख ले भाई कहाँ कहाँ से हम जो सी रेसिपीज़ हैं वो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कुकिंग विद नाज़रीन के तरीके से बनानी है और इंशाल्लाह सब आप लोगों की रेसिपी को पसंद करेंगे। आप लोग हमें अपनी फीडबैक देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह हमें अपनी फीडबैक देते रहें। तो मम्मा, अब इसको हम लोग क्या पानी को रिड्यूस करेंगे, पकाएंगे, क्या करेंगे? हाँ जी, ये पानी सूख जाए फिर मैं मसाले डालती हूँ, फिर दाल डाल देती हूँ। ठीक है, तो बहुत ही मतलब झटपट की तैयार हो जाएगी, क्योंकि दाल उबली हुई है और वो हम लोगों ने तैयार कर ली है। मतलब हाफ हाफ हमने दो जगह पर अपनी जो सी रेसिपी को कंप्लीट किया है, चिकन को सेपरेट, मुर्गी को ना मैंने तल लिया था पहले। हाँ, मुर्गी को पहले फ्राई कर लिया था ताकि जो सी रेसिपी जल्दी कम्प्लीट हो जाए, दाल भी हम लोगों ने उबाल ली है तो जिससे हमारी जो सी रेसिपी है वो जल्दी बन जाएगी। और फिर इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे और किस तरह फाइनल करेंगे तो ये आप लोगों ने देखना है और वेट करना है इसके फाइनल लुक का। आधा चम्मच सूख मिर्च का, काली मिर्च, आधा चम्मच जीरे का, आधा चम्मच हल्दी का, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम लोगों ने मसाले डाले हैं इसके अंदर, पहले हम लोगों ने नहीं डाले हुए थे, तो उससे पहले हम लोगों ने जस्ट चिकन फ्राई किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था
और इतने सारे स्पाइस मम्मा डाल रहे, तो बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनने वाली है। अब आपको कुकर की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको बासानी बना सकते हैं चिकन के साथ, तो ज़्यादा फ्लेवर उसका अच्छा हो जाएगा। और ये भूनते हैं, ये घी भी निकल आया, इसका मसाले भी डाल दिए मैंने, टमाटर मैंने खुले डाले हैं इसमें, तीन ग्रेवी सी हो जाएगी। हाँ जी, इससे ना टमाटरों से ना ज़्यादा जायका भी बन जाएगा। देखिए बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर, तो मम्मा अभी हम लोग दाल शामिल कर देंगे, मतलब कुछ देर मजीद पकाएंगे। अभी दाल ये दाल उबली हुई है ना, तो देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा ज़बरदस्त है ये लुक लग रहा है, क्योंकि हमने ना वो भुनी हुई दाल पकानी है ना। मुझे जैसे लोग मतलब जो दाल पे नाक मुंह बनाते हैं, चिकन की जैसे तो शायद खा ही लेंगे। चिकन की जैसे हम मैं खा लूँगी वैसे तो दाल। अगर आप मसाले कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से आपका। दाल के नाम पे मेरा नाक मुंह बन जाता है, दाल नहीं मुझे पसंद, तो लेकिन चलो चिकन के साथ है तो फ्लेवर भी, और माशाल्लाह मतलब मम्मा ने बनाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से है, एक हटके स्टाइल है और उससे भी बहुत अच्छा ना। खाई थी ना उससे स्टाइल से बनाई है। थोड़ी देर तक ये 5 मिनट भून के बाद ना पानी डाल दूंगा। हाँ जी 5 मिनट भून लिया, आप थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे पकने के लिए रख देनी है। मैं डाल बस फिर ना सूखी मेथी भी डालेंगे इसमें, तो लास्ट पे डालेंगे ना। हाँ जी अदरक हरी मिर्चें भी उससे गार्निश करेंगे, जो अब कसर है ना दाल में वो हो जाएगी। अब तो गली भी है दाल। ये देखिए माशाल्लाह घी भी आ गया ऊपर, गोश्त भी गल गया, दाल भी। अब मैं मेथी डाल रही हूँ, कसूरी मेथी, इससे बहुत मज़े का जायका हो जाता है। और साथ में मैं मेथी के डालते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी मेथी की आई है। अदरक हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसमें, और मैं मिक्स कर देती हूँ इसे। आप बनाए इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी, तारीफ करेंगे सारे घर वाले आपके। ये देखेंगे ये भी आ गया, अब ये रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो गई हमारी। बस फाइनल है, ये तो व्यूवर्स आज की जो सी हमारी रेसिपी है दाल और चिकन की, मतलब चने और माश की दाल हमने चिकन के साथ आप लोगों के सामने बनाई है, और ये है इसका फाइनल लुक। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और इसके साथ साथ अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विद नाज़िम सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको मज़ीद जो इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।